मैडम, पिल्लो डाबे में आपका स्वागत है, बैठिए। ए छोटे, मैडम को पानी पिला? नहीं नहीं, मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड हमारे ढाबे में छोटा है भी नहीं, इधर आइए बैठिए। एक छोटी सी मिली हुई है, उसको संभालना मुश्किल है, छोटा कहाँ से लाया, बैठिए आप। नहीं नहीं, मुझे पीना कुछ नहीं, दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो आसपास कहीं मैकेनिक मिलेगा? मैकेनिक? हाँ? मैकेनिक तो अभी नहीं मिल सकता, अभी 5 मिनट पहले ट्रक का टायर चेंज करके जज बनी है। आप एक काम करें, ये बगल में एक मैकेनिक है बब्बन करके, उससे गाड़ी ठीक करवा देता, मेरा बाप ही है। ए बब्बन, ए बब्बन। अरे तुम अपने पिता को नाम से बुलाते हो? बाप होगा, घर में होगा, इधर इम्प्लॉई मेरा हो, काम पे रखा मैंने इसको। ए बब्बन, ए बब्बन। Employ हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इज्जत से तो बात करो। इज्जत तेरे को उसके हरकतों के बारे में बताऊंगा ना, कान में उंगली दे देगी तू। हाँ, परसों मेरी मां समान दिखने वाली मम्मी को पीछे से हक कर रहा था वो। अरे तो क्या हुआ, है तो उनकी बीवी ना। अरे बाबा बीवी है तो, लेकिन मैंने कितनी मेहनत से ये ढाबा बनाया, अपनी मेहनत से। मैंने चाहता मेरे बाप की किसी गंदी हरकत की वजह से कोई दूसरा वारिस आए, और यू नो दूसरा आ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में मैंने जो छटपटाहट देखी ना, मेरे को लगा ये जुड़वा करके छोड़ेगा, मतलब ऐसा टाइप था, यू नो। खैर आप बैठिए, आप काफी थकी हुई लग रही हैं। हाँ मैं एक्चुअली काफी दूर से आई हूँ, तो इसीलिए। हाँ दूर से तो आई हैं, पहले एपिसोड से लगी हुई हैं, 42 हो गए, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी दूर तक आएंगे आप ना? या और जाइए बैठिए 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 बैठिए, क्या खाएंगे आप? इधर मुंह करके बैठ जाइए, किसने कहा था ये पहन के आने के? बैठे बैठिए बैठिए, इधर बैठ जाइए। तुम्हारे ढाबे में क्यों खाऊं, यहाँ आसपास कोई 5-स्टार होटल नहीं है? नेवर एग्जैक्टली लाइक दैट, एक ही 5-स्टार होटल था, मैंने उसके 3 स्टार उठा के अपने ढाबे पे लगा दिए, अब मेरा ढाबा 3 स्टार है, उसका 2 स्टार है। खैर तो आप बताइए, आप पानी लीजिए आप। छी, मैं ही पानी नहीं पीऊंगी, तुमने उंगली डाली हुई है उसमें। मैंने पानी में उंगली डाली, तेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और तेरी उंगली की वजह से सारा पानी में एक्ट जाता है, उसका क्या तू बार बार आइए ना बैठिए, आप खाएंगी क्या तुम भी? आइए बैठिए, खाएंगी क्या आप? तुम ये गंदा पानी फेंको पहले। ए ये पानी तेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, कोई भी रंग डाले ना उसी रंग में ढल जाता है, तेरी तरह नहीं, कोई भी करेक्टर दे दो। बताओ खाने में क्या लोगी चाइनीज? जय शराब, मुझे मिनरल वाटर लाके दो। मिनरल वाटर है नहीं, मैंने नहा लिया। क्या कैसे आदमी हो तुम, मिनरल वाटर से नहाते हो, गंदा पानी पीते हो? देखो मैडम अंदर क्या गा किसी को कुछ पता नहीं, बाहर का लोग देखते हैं, आप सोहेल भाई की तरह देखो, यहाँ तक कितने अच्छे अच्छे लगते हैं। नीचे ये अर्चना नीचे चप्पल पहन के आती, पता है? हेलो, तुम गलत बोल रहे हो, सोहेल भाई चप्पल पहन के आते हैं। थप्पड़ मारूंगा चाहे वो नंगे पांव आए, मेरी फिल्म का डायरेक्टर कुछ बोला मारा गर्दन तोड़ूंगा तेरे को। अरे कुछ नहीं बोलना, वो कुछ नहीं करें, गलती निकालनी अर्चना मैडम की, अच्छा सुनने इधर इधर बैठ जा। अच्छा मेरी जब फिल्म आएगी तो यू नो मीडिया इंटरव्यू लेगा मेरे से, मेरी रिहर्सल करवाना। मैं क्यों करवाऊं? अरे करवाना, तेरे को चपाती फ्री में दूंगा ताजी बना के, पता? मैं नहीं करवाती। अरे मान ना प्लीज, ऐसे मेरी इंटरव्यू ले। उफ ओके फाइन। आपको कैसा फील हो रहा है ये फिल्म करते हुए? प्लीज नो इंटरव्यू, मैं रिहर्सल करा नेक्स्ट। बाहर भी जाओ तो। अच्छा सुन ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सीरियसली सीरियसली, अच्छा सीरियसली, अच्छा सीरियसली, अभी पूछ अभी पूछ अभी पूछ अभी अभी सीरियसली, कैसा फील हो रहा है आपको ये फिल्म करके? बस ये समझिए कि जितना गंदा आपके साथ ये सीजन करके फील हुआ, उतना ही अच्छा फील हो रहा है। शराब होगी, नहीं लेना मुझे तुम्हारा इंटरव्यू। तो मतलब इंटरव्यू, तुम मेरा इंटरव्यू ले भी नहीं सकती, ये लो मेनू, जो खाना है इसमें लिख दो। क्या इसमें लिखा हुआ नहीं है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लोग इसमें लिखा दे भरवा करेला, तेरे को दाल खानी हो तो हम लोग प्रिंट आउट के पैसे कहां से दे? बैठना इधर। अच्छा बता, जो खाना है इसमें लिखते हैं, मैं पास वाले ढाबे से ऑर्डर कर देता हूँ। तुम खुद नहीं पकाते? तुम खुद नहीं पकाते, सबको पता है कौन पकाता है इधर। क्या है तेरे को, बताओ ना मैडम क्या खाओगी? चाइनीज में क्या है? चाइनीज में तो सिर्फ जनसंख्या ही है। अच्छा पंजाबी दाल खाओगी? पंजाबी दाल? पंजाबी दाल क्या होती है? पंजाबी दाल ऐसे हल्की हल्की दाढ़ी ऐसे गिद्दा दाल दी आएगी, पंजाबी दाल खाओगी? अच्छा किधर जा रही है? अच्छा आया इधर तो गुजराती दाल क्या गरबा करते हुए आएगी? तेरा दिमाग खराब है, दाल कभी गरबा कर सकती? पागल गई। अच्छा तो पंजाबी दाल ये कर सकती है? चुप रहे तू, पंजाबी थोड़े बहादुर होते हैं इसलिए उनकी दाल भंगड़ा डालती। बैठ जाना, इम्प्रोम्प्ट मत किया कर। अरे सुनो तुझे ये सब छोड़, मैं तेरे को अपने ढाबे की स्पेशल चीज खिलाता हूँ, तेरे को बैंगन का भरता खिलाऊ? वो क्या है? बैंगन का भरता नहीं खाया कभी? नहीं। अरे बैंगन होता है बड़ा वाला बैंगन, एक छोटे बैंगन होता है, एक बड़ा बैंगन होता है, यील करके ऊपर से ठुल्ला लगा होता है ऐसे, खाएगी? मुझे नहीं खाना है बैंगन। बैंगन तुम फिश बनाते हो?
फिश बनाते हैं, कल फिश लाई थी लेकिन क्या कल बारिश हो गई ना तो इतने तरह पानी हो गया, वो फिश तैर के निकल गई कहीं। अभी तू ना ज्यादा फिश मत खाया कर, फिश खा करके कछुए जैसा मुंह किया होगा तुमने। कुछ और खाना तू, और कुछ खाएगी इसमें से देख के देख ले, इसमें से लिखा हुआ लास्ट पेज पे कुछ ऐसा कुछ खाना। अंडा करी खिला दो। अंडा करी, अंडा करी तो रेडी है, अंडा करी तो ये ले, अंडा करी खा के देख, ट्राई कर अंडा करी। अरे लेकिन इसमें अंडे छोटे हैं। अंडे छोटे होंगे, कल ही हुए हैं तो खा दे। अरे बाबा टेस्ट तो कर, करी टेस्ट करके दिखा कैसी लगी। ती घटिया अंडा करी। हाँ तो घटिया ही होगी ना, जिस मुर्गे के बच्चे ना वो मुर्गा शराबी कबाबी था ऐसे। Oh my God! तुमने कैसे मुर्गे के अंडे की कड़ी खिलाई मुझे? अब तेरे लिए प्रोफेसर मुर्गी ले गए, उसके अंडे बनाऊं तेरे को मैं? अच्छा सुन ना मेरी बात, और कुछ खाएगी? नहीं। मेरे से पता भी नहीं जा रहा मैंने क्या लिखा है, तो मिट गया है। अच्छा ये मैं मेन्यू में देख के तेरे को बताता हूँ, सुन ना, बैठ बैठ आराम से बैठ, अभी अब इतना लेट होगी, बैठ आराम से। मेरे खाने में बड़ी कमियां निकाल रही, तेरे को खाना बनाना आता है? नहीं मुझे नहीं आता, वैसे मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि अगर कोई मिल जाए मुझे सिखाने के लिए तो मैं सिखाता हूँ तेरे को। आप सिखाते हो? या मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, सबसे पहले मैं तेरे को दाल बनानी सिखाता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ दाल बनाने के लिए सबसे पहले गोभी लो। हैं एक सेकेंड, अभी आपने बोला दाल सिखाएंगे, गोभी किस लिए? देखो बाबा सब सब्जियां साथ में रहती हैं, किसी एक सब्जी को इग्नोर करो तो गुस्सा मान जाती हैं। पिछली बार एक गोभी को मैंने 7 दिन तक देखा नहीं, सड़ गई यूं बना के बैठी हुई थी। तो यू नो करना पड़ता है, कई सब्जियां धोखेबाज भी होती है। बंद गोभी इतने बंद गोभी मैंने छुरा मारता गया, खोलता गया, मारता गया, खोलता गया, बीच में से निकला ही कुछ नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक बंद गोभी को एक ही छुरा मारा, कितने सारे कॉइन निकले सिक्के। फिर एक छोटे बच्चे का बाप आया, थप्पड़ मारा, कहता साला हमारा गुल्लक फोड़ दिया। ऐसे होता कभी कभी। तो ये छोड़, मैं तेरे को बटर नान सिखाऊं। बटर नान, बटर नान के लिए थोड़ा सा आटा लेना होता है तंदूर में लगाने के लिए, यू नो उससे चिपकता नहीं है नान, तो उससे। अभी मैं तेरे को बटर नान बनाना सिखाता हूँ, तो मैं क्या सबको सिखाता हूँ स्टूडियो में, क्या सुबह का वक्त है आप लोग खा सकते हैं घर पे जाके बना के, ऐसे खड़े रहना तंदूर के पास बैठ नहीं सकते आप। एक सेकंड आपको सिखाता हूँ, ऐसे तंदूर आटा लिया, आटा लो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे खड़े होके तंदूर के, ऐसे खड़े होके तंदूर बैठ बैठ के रोटियां तोड़ने की आदत पड़ी है, खड़े होके खाते हैं ऐसे तंदूर को, हमेशा खड़े होके चपाती लगाते हैं ऐसे। मैं नहीं खड़े होते। नहीं होते तो फिर ऐसे ही खत्म करते, भाड़ में जाएगा। बातें भूल गए, मैं तो अपनी बीवी को लेने जा रहा था। माँ 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 कहाँ हो तुम? माँ जहाँ भी हो वही रहो, एक्ट अच्छा जा रहा है माँ। ये मेरी सतेली माँ, इतनी गंदी माँ है ना मेरी, इसने दूसरी शादी की थी मेरे बाप से कन्हैया लाल के साथ, बड़ी कमीनी रही है अपनी जवानी में। ये तो वैसे ड्रामे करती, मेरे को दिखता नहीं दिखता नहीं, परसों गोपी को देख के बोली तेरे को देख के कन्हैया लाल की याद आती मेरे को। इतना मारती थी ना मेरे को सतेली माँ, अभी नहीं मारती है लेकिन जब से बड़ा हुआ तो प्यार करती है, पता नहीं शायद डरती है बड़ा हो गया कहीं मार ना दे आगे। माँ 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 हाय माँ। ओए क्यों चिल्ला रहा है? मेरी आंखें खराब है, कान नहीं। तेरे कान भी खराब है, साफ करवा के देख, 10 किलो वजन कम ना हो गया फिर बोलना मेरे को। ओफ बकवास बंद कर, क्या बोल रहा था, क्यों चिल्ला रहा था? देख ये बकवास बंद कर क्या मतलब, क्या ये 4 लाइनें ना होती भूखी मर जाती है। बकवास बंद कर क्या मतलब, क्या क्या मतलब, क्या मतलब कुछ नहीं, बकवास बंद कर और आगे बोल। हाँ क्या देख, तुम माँ तेरे को इसलिए बुलाया था, मैं तेरी बहू को लेने मायके जा रहा हूँ। हाय क्यों, वो जहाँ है वही रहने दे उस कल मुही को, तेरे लाइक नहीं है वो। माँ ऐसे मत बोला कर, जैसी भी है लेकिन सेक्सी है। और तू जब आई थी ब्याही हो गई तब तू कौन सा बड़ी दिखती थी श्री देवी, पता है गांव के लोग थू थू करते थे मेरे बाप पे, बोलते कन्हैया लाल का दिमाग खराब हो गया इस उम्र में, बच्चों के अनाथ आश्रम से बीवी उठा ला है। चल हट टपू में जाना है। देख बेटा तू ना आज फैसला करके रख कि तू अपनी माँ से प्यार करता है कि अपनी उस कलमुही बीवी से। क्या बात कर रही माँ, ऑफ कोर्स उससे करता हूँ, तेरे को क्या लेना तेरा मेरे को। मर क्यों नहीं गई सुनने के पहले? तू भूल गया, तू भूल गया मैंने तेरे को पाला परोसा है, बचपन से बड़ा किया है। तो इसमें क्या किया तूने, क्या किया? सबकी माए पाल पोस के बड़ा करती है, बाकी माए क्या किशमिश की तरह बच्चे को पानी में डाल के बुलबुला के बड़ा करती है, क्या तुम्हें बड़ा किया? बचपन से तेरे लिए खीर बनाती आ रही हूँ, भूल गया तू? खीर बनाते तो तेरे को आता क्या और बनाना?
खीर बनाती है, अरे खीर बनाती। कभी मेरे से पूछा मेरे को खीर अच्छी लगती कि नहीं, मेरा पेट खराब हो जाता था खीर खा के। सारा सारा दिन टॉयलेट में बैठता था, मेरी जवानी के कितने बेहतरीन साल टॉयलेट में निकल गए। इतने चावल मेरे पेट में भरती, इतने चावल, अभी तो कहीं हल्का होने के लिए जाता हूँ, दो दिन बाद चावल का खेत निकल आता वहां से। हट मेरे को जाना दे, 800 किलोमीटर साइकिल चला के जाना तेरी बहू को लेने में। अच्छा ठीक है तू जा, लेकिन उस कलमुई को बोल के आके मैं इसे झगड़ा ना करे। तेरे से कहां झगड़ा करती माँ, ती तो करती झगड़ा हमेशा, तो कितनी संस्कार वाली बहू है। याद है पिछली बार मुखिया जी आ गए थे अपने घर में, टावल पहन के घूम रही थी, उसी टाइम टावल उतार के घूंघट तोड़ दिया, इतनी अच्छी है वो। बड़ी आई तू, ऐसे मत किया कर, चला हट मेरे को जाने दे। जाने दे माँ मेरे को, रोक मत मेरे को। अरे तू जाऊं फिर मैं? हाँ जा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.